Sharma here. I just wanted to talk about few things. Last few weeks have been tough times for all of us, and the world has come to standstill, which is very, very sad to see. And the only way we can get back to normal is by all of us coming together. And how we can do that is by being little smart, little proactive, knowing our surroundings, and as and when you get any symptoms, informing your nearest medical authorities. Because we all want the kids to go to the school, we all want to go to the malls, we all want to watch movies in the theaters, and I appreciate the effort of the doctors and the nurses around the world who have put their life at risk while taking care of the people who have tested positive. Last but not the least, my heart goes out to the people who have lost their life and their families. Take care and be safe. कोरोना वायरस के साथ जंग जीतने में समय लगेगा, हौसला लगेगा और सबसे ज्यादा लगेगा आपका संयम और जिम्मेदारी अगले 21 दिनों के लिए। कीजिए कुछ अहम चीजें कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए। घर पर ही रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए कोरोना वायरस से। कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, ये महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। घर से निकल के मोर्चा बनाकर या शोर मचा के कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। अंधविश्वास या अफवाह पे गौर करने से कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। आपकी एक लापरवाही की वजह से हम सबको और पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है बहुत बड़ी कीमत। 21 दिनों तक इंडिया को घर पर रहना है और भारतवर्ष को बचाना है। एकता दिखाइए, जीवन और देश बचाइए। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज आप कर सकते हैं, हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से ही हाथ धोने, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है और जब आप हाथ मल रहे हो साबुन से, यह आपकी सुरक्षा के लिए है। 20 सेकंड जरूर मलिएगा। ऊपर से भी ऐसे क्लीन करना जरूरी है और हाथ बदलते रहिए जरूर। मुझे लगता है 20 सेकंड खत्म हो गए। हाथ अच्छी तरह से साफ कीजिए और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सही तरह से सुखाना, भूलिएगा। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिले, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक, जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं। चौथी बात, घबराए नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, यह किसी को भी हो सकता है, इसे नजरअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। टुडे वी ऑल इंडियंस हैव शोन दैट आवर फाइट अगेंस्ट COVID-19, वी ऑल कम टुगेदर व्हाइल वी हैव कंटिन्यूड टू स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर आल्सो। So well done on that front to everyone. We will continue to fight this dangerous virus by maintaining social distancing. How can I forget to thank all the people who've been involved
in working selflessly for our safety. A big, big thank you. सेल्फ क्वारंटीन में कुछ एक्सरसाइज के नए फंडे. वैसे रो 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 ये बहुत होता है, बट देन टुडे आशी लेट्स डू दिस बेटा. ओके 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 लेट्स गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. देखो इससे बॉडी तो बनेगी, साथ साथ में आपकी बेटी जो है वो काउंटिंग भी सीख सकती है. 11 बेटा. 12 गुड. 13 14 15 वेरी गुड. वेल डन. ओके ओके नाइस. कोरोना वायरस की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. अगर हम सब सूझबूझ के साथ काम लें, अपने आप को साफ रखें और बाहर अनावश्यक ना जाएं, तो बहुत जल्दी हम इससे उभर सकते हैं. सबके हित में सोचना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है. और अगर किसी को अपने अंदर कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण लगते हैं तो अपनी जांच अवश्य कराएं और एकांत में रहें. सहवाग इंटरनेशनल स्कूल में काफ़ी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और कई स्कूल विजिट करना चाहते हैं. उन सब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके टेस्ट और फॉर्मेलिटीज़ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए ही पूरी कर लेंगे, जिससे आपको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना हो. आप 9711188700 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. ये समय सतर्क रहने का है. जिस इंसान को कोरोना वायरस हुआ उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे ये वायरस होगा, तो आप सब लोग सतर्क रहें, थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतें. उम्मीद और प्रार्थना है कि ये चुनौतीपूर्ण वक्त जल्दी ही बीत जाएगा और हम सब एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे. जय हिंद. प्लीज़ टेक केयर.